थोड़ा मेरे देता है ना इधर कर सोलो जी करा दो पांडे अंदर चलो अंदर हो गया मैम यार लोग भैया मैम यार जहाँ पे लाइट दिख रही है ना वहाँ पे रुक लीजिए थैंक यू आइए भैया या लुक है लुक है फोटो लगा गया हमारा फोटो सेंटर में दो फोटो ले ले चलो चले अपना अपना हो गया वीडियो ला हो गया आइया हेलो आजा प्रियंका फोटो आजा भैया चलो फोटो आइए आजा भैया आ रहा हूं मां चल दो स्वागत मिलता है मिस्टर प्रेम राय सरकार सुजीत सिंह जी है और प्रेम सिंह राजपूत पायस पंडित जो यहाँ पर है फोटो खींच लो सारे मीडिया भाइयों और बहुत अच्छा लग रहा है बस मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भैया अभी 20 दिन पहले बड़ा कंट्रोवर्सी में थे हाँ तो क्यों थे ये प्रेम सर ही बताएंगे प्रदीप सर आइए नरसू भाई कहाँ है जो इस डिजाइन को बनाए हैं और इस खूबसूरत डिजाइन को बनाने वाले हमारे डिजाइनर नरसू जी उपलब्ध हैं आओ मास्टर जी एक आपकी तस्वीर खींचना है बालों बड़े बड़े बाल हैं आपके सूरत है ही बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भारत माता की जय ये टाइटल आपको कैसे मिल गया सबसे पहले तो ये बताएं जी नमस्ते प्रणाम हम प्रिंस सिंह राजपूत हमारे जितने भोजपुरी ऑडियंस हैं हमारा मीडिया कर्मी है यहाँ पे अतिथिगण बैठे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ भैया ये टाइटल खुद हमारे जो लेजेंड है देख रहे हैं ना पीछे एकदम खड़े हैं कैसे तो मैं क्या बोल सकता हूँ एक बार कह सकता हूँ भारत माता की जय ये मेरे नसीब में था मेरा झोली में था ये टाइटल तो मिला ये आप लोग का आशीर्वाद है माँ बाप का आशीर्वाद है हमारा पूरा समस्त हिंदुस्तान का आशीर्वाद है जो इस टाइटल पर मेरे को काम करने का एक मौका मिला है पायस जी आप ये बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है कितनी खुश हैं भारत माता की जय क्योंकि इसके बगैर कुछ है ही नहीं आज की तारीख कुछ है ही नहीं जहाँ तक हमेशा होता है भारत माता की जय देश के लिए सिर्फ पुरुष ही आगे रहते हैं पुरुष ही शहीद होते हैं पर हम औरतें भी कम नहीं हैं हमारे दिल से इच्छा है देश के लिए कुछ करना पर हम देश के लिए बलिदान नहीं दे पा रहे हैं तो हम सोचते हैं एज अ कलाकार फिल्म के माध्यम से दर्शकों को इतना सा भी अगर कर पाएँ अपने देश के लिए अपने देश की कुर्बानी जिन्होंने दी है उनके लिए श्रद्धांजलि इतना सा कर पाएँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और सबसे पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में स्वागत करना चाहूँगी अपने सर का इनका जिन्होंने ये पहल की है बिना इनके हम कुछ नहीं हमारी सोच कितनी भी बड़ी हो जब तक हमें पंख नहीं मिलेंगे हम उड़ नहीं पाएंगे तो इनको बधाई के पात्र ये हैं और इनका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसे ही अलग अलग फिल्म देंगे बिल्कुल पायस जी ने बहुत ये तारीफ की है धर्म जी आपकी तो सवाल आपसे यही है कि हम ये समझ सके क्योंकि कुछ देर पहले आपने ये कहा है कि आप सीएम साहब के सलाहकार भी हैं तो शिवसेना जुड़ी है भोजपुरी सिनेमा से बिल्कुल जिस तरह से पायस जी ने कहा है बिल्कुल शिवसेना जुड़ी है
और हिंदी भाषियों के साथ, जिस तरह से आदित्य ठाकरे जी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में गए थे चुनाव में, और आने वाले दिनों में अयोध्या भी जा रहे हैं, तो हमारा यही है सोच महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की पार्टी में जो शिवसेना किस तरह से आज काम कर रही है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत फहमी थी लोगों के बीच में कि उत्तर भारतीयों के साथ शिवसेना नहीं है, तो एक उत्तर भारतीय मैं खुद हूँ, ये शिवसेना ने मुझे सब कुछ दिया, तो मुझे आके लोगों के बीच में अपने उत्तर भारतीयों के बीच में बताने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि एक उत्तर प्रदेश का बोलते हैं कि व्यक्ति होने के नाते मुझे महामंडल जिसे कहते हैं प्राधिकरण अधिकारी बनाया और बहुत बड़ी जवाबदारी दी। तो ऐसे एक दिन बातचीत करते हुए मुझे ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी लोगों के डीएनए में है, भोजपुरी पिक्चरें, भोजपुरी में क्या चीज़ होती है, आज कोई भी भोजपुरी पिक्चर आती है तो हर उत्तर भारतीय उत्साहित रहता है हिंदी भाषी उसके देखने के लिए। तो हमने ये पहल की और पहले भी बहुत लोगों ने पहल की है, लेकिन हमारे आदित्य ठाकरे जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उद्धव साहब, तो हमने सोचा कुछ अच्छा कुछ एड ऑन करना है भोजपुरी पिक्चरों में, तो उत्तर प्रदेश के सारे भोजपुरी कलाकारों को हम कैसे सपोर्ट करें, तो उसकी शुरुआत आज हुई है भारत माता की जय। आगे भी हम भोजपुरी कलाकार और भोजपुरी पिक्चरों के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है, समस्या है, एक सवाल आपसे, फिर वापस से उस तरफ चलते हैं। भोजपुरी सिनेमा को लेकर मुंबई में जो शूट होता है तो महंगाई काफ़ी है, इसके अलावा जब फिल्में रिलीज की जाती हैं तो थिएटर बहुत कम मिलते हैं, क्या सरकार इसको लेकर भी कुछ सोच रही है? क्योंकि कुछ सोचने के साथ ही आप मेरे बात मान के साथ जुड़े होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी पिक्चर शूट होती है वो, और यहाँ मुंबई में जो शूट होती है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यहाँ पे महंगाई है। तो मैं एक बार, अभी तो बहुत शुरुआत है, बोलना उचित नहीं होगा, कि एक बार इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के साथ कि किस तरह से क्या सोल्यूशन लेके आए महाराष्ट्र में, और किस तरह से क्या हम बेहतर कर सकते हिंदी भाषी और भोजपुरी पिक्चरों में, कि क्या सरकार क्या एक ऐसा काम करे जिससे आप लोगों को मदद मिले। तो आने वाले दिनों में वो भी दिन दूर नहीं है जहाँ पे शिवसेना और यहाँ की सरकार भोजपुरी पिक्चरों में अपना अच्छा रोल निभाएगी और करेगी आगे। बिल्कुल, प्रोड्यूसर सर की तरफ चलते हैं। सर, एक तरफ शिवसेना बैठी है आपके बाएं तरफ, दाएं तरफ एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस बैठी है पायस पंडित, स्माइल नहीं है चेहरे पर, क्या दबाव है जी? वही दबाव नहीं है। किसी ने चेक की बात की थी ना, वही दबाव है। तो ये बताएं कि मेरा भारत महान को लेकर के कैसे आपकी सोच आई, आपको क्यों लगा इस फिल्म का निर्माण करना चाहिए और किस तरीके से आपने तैयारी की? इसकी सोच हमारे पास धर्म जी की तरफ से आई। हम लोग हमेशा एज ए पर्सनल लाइफ में भी हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं, ऐसा कोई वीक नहीं होगा जिस वीक में हम लोग नहीं मिलते। एक दिन प्रिंस जी से इन्होंने बात की और इन्होंने बताया कि ऐसी एक फिल्म करना है और उसका नाम आया सोचते सोचते भारत माता की जय। और उस भारत माता की जय टाइटल सुनने के साथ ही हमने बोले ये प्रोजेक्ट हमको करना है। काफी हिंदी फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन भोजपुरी में क्या कुछ खास फिल्म बना रहे? भोजपुरी में हमारा फिल्म बनाने का मकसद एक यही था है कि जैसे धर्म जी ने पहले भी बताया, भोजपुरी फिल्म को एक अलग नज़र से देखा जाता है, उसका एक जगह नहीं मिलता है जो जगह हिंदी फिल्मों के मिलते हैं। बाकी फिल्मों के, पंजाबी फिल्में देख लीजिए, मराठी फिल्मों को भी अभी मल्टीप्लेक्स में सिंगल स्क्रीन छोड़ के मल्टीप्लेक्स में जगह मिल रहा है, बट भोजपुरी को नहीं मिल पा रहा है। जैसे धर्म जी ने बताया भोजपुरी फिल्म के लिए हम आगे सोच रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में भी उसके लिए कुछ करें, जो उनकी जो बजट होते हैं भोजपुरी फिल्म का एक लिमिटेड बजट होता है जिसमें हम सोच नहीं सकते हैं कि बॉम्बे में शूट करें, उसके लिए हम आगे कुछ करें जो ताकि वो भी यहाँ पे आकर के पूरी फिल्म नहीं चार दिन शूट कर सके, आठ दिन शूट कर सके। तो हमारा एक मकसद यही है कि आने वाले दिनों में हम भोजपुरी फिल्म को एक जगह दे पाए जो अभी जो है उससे अलग हट के एक जगह दे पाए।
और उसके साथ ये टाइटल आया भारत माता की जय, तो बोले हम अपनी शुरुआत यहाँ से करते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड में कौन कौन फिल्में आपकी आ चुकी है, बताएं सबको। बॉलीवुड में हमने काफ़ी सालों से फिल्में की हैं और फिल्म इंडस्ट्री से मैं 97 से जुड़े हुए हैं। हमने कुछ कुछ होता है के सेट पे भी थे, कल होना हो के सेट पे थे, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, वहाँ से हमारी शुरुआत है और हम करते आ रहे हैं। हमने कभी ये फिल्म कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं वो देखे नहीं, हमारा एक प्रोफेशन था कि हमें ये करना है और वो जॉब को हमने किए। डायरेक्टर साहब की तरफ चलते हैं। सुरेश सर, आपकी आपका और प्रिंस सिंह राजपूत जी का जो मिलन है वो सालों पुराना है, काफी साथ काम किया है। नरसिम्हा का ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत शानदार। एक्शन के लिए आप जाने जाते हैं, पवन सिंह साहब के साथ भी आपने एक्शन भरी फिल्म की है। भारत माता की जय को लेकर क्या इस समय आपके जहन में चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और स्पेशल आप इस फिल्म में प्रिंस सिंह राजपूत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो टाइटल है भारत माता की जय, तो जो जितने भी पोस्टर आपने देखा है, जितने भी लीजेंड्स है, हम उनके आदर्शों को देखते हैं, उनके आदर्श उन्होंने जो किया है इस देश के लिए, उसके कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम इस फिल्म में दिखाना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो उन्होंने जो देश के लिए किया है, जो देशभक्त हमारे देश के लिए जो किए हैं, उसमें कुछ ऐसे पार्ट दिखाऊँ जो आज भी लोग हैं जो देशभक्ति है ना, उसमें देशभक्ति में चार चांद लग जाए, या आने वाले जनरेशन जो है न्यू जनरेशन को भी लगे कि हाँ, मतलब देशभक्ति क्या होती है, हम वही दिखाते हैं। तीन करेक्टर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बताएं? तीन करेक्टर हैं वो सब कोई जानता है, और उन्होंने जो देश के लिए किया वो भी सब कोई जानता है। तो उसके कुछ पार्ट है जो हमारे हीरो है प्रिंस सिंह राजपूत जी, इनको निभाना है। अब उनके उसके लिए इनको काफ़ी मेहनत भी करनी है, क्योंकि हमारा मेगा शेड्यूल जो है 1.5 महीने के बाद हम लोग निकलेंगे यूपी के लिए, कुछ पार्ट हो सकता है मुंबई में शूट करेंगे, अभी तक तो हमने यही सोचा है। सोजी जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेरा भारत महान पवन जी की जो फिल्म है बहुत अच्छी जा रही है, और मैं देख रहा हूँ कि दोनों टाइटल मिलते जुलते हैं और पोस्टर भी मेरे पास है लगभग मिलते जुलते हैं, क्या कहानियाँ भी मिल रही है उसी? नहीं। क्या कहानी बन रही है? नहीं, कहानी वो मेरा भारत महान है, सब कुछ देखा है, और ये है भारत माता की जय, तो वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पोस्टर में भी बहुत अंतर है, पता ना आप किस नजरिया से देख रहे हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन पोस्टर दोनों का देखिए जमीन आसमान का अंतर है। तो एक कैरेक्टर में भी मिल रहा है, एक कैरेक्टर में भी, हाँ एक कैरेक्टर में भी तो बहुत डिफरेंट है, वो भी ऐसा नहीं है। आप ही बताएं कि यहाँ पे मैं आपकी तीन अवतार देख पा रहा हूँ, भोजी भी हैं और चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, भगत सिंह भी हैं, तो क्या कहानी है, थोड़ी बहुत अगर रिवील करना चाहें तो आप बताएं, हम किसी से नहीं बताएंगे। कहानी तो अपने आप में ये लोग है भी, इतना लीजेंड है, भारत माता की जय है, धीरे से बोलना, किसी को बताएंगे जब पोस्टर पे है तो लीजेंड खुद है, कहानी अपने आप में लोग है, लेकिन कहानी अभी चल रहा है, पूरा प्रोसेस चल रहा है, अभी खुद आने दीजिए टाइम, जरूर आपको बताएंगे। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जब कोई इतिहास की फिल्म बनती है जी, वो विवादों में भी चली जाती है, अगर उस पे अच्छे से अगर स्टडी नहीं की, आपने इस पे स्टडी की है कुछ की? बिल्कुल कुछ सर, स्टडी किया हूँ तभी तो ये पोस्टर डिजाइन हुआ है, एक एक चीज हम लोग देख के बारीकी से हम लोग फोटो सेशन किए, जो कि हमको लगता है कि भोजपुरी में बहुत कम होता है, लाखों रुपया खर्चा हुआ फोटो सेशन, लीगली प्रूफ है ये, हाँ लीगली प्रूफ है, हर चीज बैच देखिए, ये हर चीज हम लोग मैच करके पोस्टर डिजाइन भी किए, आप फिल्म भी करेंगे तो उसमें से कोई त्रुटि और गलती नहीं मिलेगी, एक एक चीज पे हम लोग फोकस करके काम करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर इतने अनुभवी हैं, डायरेक्टर इतने अनुभवी हैं, ये लोग जो बताएंगे हम उस पर हम दोनों एक्ट करेंगे। फायज जी, पीछे तीन चार पोस्टर्स लगे हैं, मेन जो पोस्टर्स है वहाँ पर है, वहाँ पर आपकी तस्वीर नहीं है, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी तस्वीर वहाँ, मैं अकेले हूँ, देशभक्त महिला, जरूरी नहीं हीरो के बाजू में हीरोइन रहे, यही सब, वो मैं अकेले सोलो हीरोइन हूँ, तो मैं पोस्टर में हीरो के बीच, क्योंकि हमारे देश के हीरो हैं, इसके बीच कोई हीरोइन शोभा नहीं देती, तो मैंने अपना वो साइड में हूँ मैं देशभक्त के रूप में, और मेरा किरदार सर बताएंगे, तालियां। अगर यहाँ पे हीरोइन को हम फोटो दे देते ना तो इस पे भी क्वेश्चन कर, नहीं क्वेश्चन भले नहीं कर, यहाँ पे कोई हीरोइन दिखती शोभा ही नहीं देती, इतने बड़े हीरो हैं वो, उनके सामने कोई हीरोइन कहाँ से खड़ी होगी। नहीं, आपका भी पोस्टर देख, मैं वहाँ हूँ, साइड में हूँ ना, सेवक भारत माता की देखने को मिल रही है, मैं सेवक हूँ देश की, हीरोइन नहीं हूँ इस फिल्म में, मैं एक नागरिक हूँ, एक देश की हीरोइन, हर बार हीरोइन, में रियल लाइफ में हीरोइन हूँ, फिल्म में बनने का भी कोई हुआ नहीं, सिंपल से कैरेक्टर है मेरा, देशभक्त का मेरा भी कैरेक्टर है, उसमें हम हीरो हीरोइन नहीं है,
इनके साथ में रहा, सब कुछ देशभक्त मैं भी, ये भी। सुनील जी, म्यूजिक कैसा हुआ इस फिल्म का? म्यूजिक तो देशभक्ति हो। कौन दे रहे हैं म्यूजिक और राइटर कौन है? ये इसमें म्यूजिक संगीत दे रहे हैं मधुकर आनंद जी और राइटर है हमारे एस के चौहान जी। तो म्यूजिक जो होगा हम कोशिश करेंगे कि जो भारत माता की जय के लिए जो खून खोलने वाला वीर रस का जो चीज होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लाए और जन जन तक पहुंचाए। प्रिंस जी, आप धीरे धीरे मनोज कुमार की तरफ निकलते चले जा रहे हैं, पिछली पिछली फिल्में आपकी आ रही है, हमने जो गलतियां देखी हैं देशभक्ति से लीन ही है, तो क्या पर्सनल लाइफ में भी देशभक्त हैं? और आज तो आपने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया, शिवसेना ही साथ लेकर आ गए हैं, तो क्या क्या चाह रहे हैं, मतलब कैसा? भैया बिना सेना के देश कहाँ से चलेगी, इसलिए शिवसेना का आशीर्वाद मिला, आज देखिए हम यहाँ पहुँच गए। सुनील जी, सेम सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा, आप आर्मी लेके आ रहे हैं, देशभक्ति का है, अब मेरा भारत महान लेकर, मेरा भारत माता की जय, इतना बड़ा टाइटल नहीं दिख रहा आपको? अभी कंप्लीट हो गई है और ये मतलब सितंबर अक्टूबर तक, मतलब सिनेमा हॉल में आते थे अक्टूबर लग जाएगा, आदमी पहले आएगा। सुजीत सर, लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि प्रिंस को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी फिटनेस पर, तो फिटनेस पर फिटनेस करेक्टर बोला करेक्टर पर काम करना पड़ेगा, और क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर प्रिंस जी को? नहीं, बदलाव तो उसमें क्या है ना, एक एक चीज़ जो है ना, जो हमारी टीम की जो कोशिश है ना, उसमें एक एक चीज़ कोशिश करेंगे ऐसा कुछ हो जो सबको अच्छा लगे, और जब प्रॉपर स्क्रीन प्ले बनेगा, प्रॉपर शूट होगा, फिर उसका टेलर देखेंगे तब बोलेंगे कि नरसिम्हा से ऊपर है ये कहाँ है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर सर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं इसकी? इसके लिए हमारे सुजीत जी बताएंगे कि अभी कब से शुरू करना है, और ये जो है हमारी प्लानिंग है कि हम अगस्त में शूट चालू करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में। तो क्या देश पर ना ये फिल्म बन रही है भारत माता की जय, फीस में भी डिस्काउंट वगैरह आपने बोला होगा कि भाई देशभक्ति में तो कम करो? ये हमारी पूरी टीम ही डिस्काउंटेड टीम है और आने वाले दिनों में इसमें एक बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स भी हो सकते हैं हमारी कुछ टाइटल ट्रैक के लिए। धर्म जी की तरफ चलते हैं। धर्म सर, ये बताएं कि अभी तक भोजपुरी सिनेमा को आपने किस नज़रिए से देखा है, और आज इस मुहूर्त के बाद क्या कुछ बदलाव है? नज़रिया तो अच्छा ही रहा है, देखने वालों के नज़र के ऊपर है, लेकिन कैसा है कि हमेशा मुझे भी ये टाइटल इसलिए अच्छा लगा कि जो आने वाला जो जनरेशन है उनको किस तरह से धरती माँ से जोड़ के रखना है, उस वो टाइटल में ये दिख रहा है। और आपको ये जो तीन कैरेक्टर है इनके बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आज कितने बॉलीवुड और पिक्चरें बनी है, और ये अभी भी हम जाए तो कोई भी इनका यूट्यूब पे देखोगे, किसी ने भी जो इनका किरदार निभाया है वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो जो हिंदी पिक्चरों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला है लोगों को, हमारा भी यही सोचता कि भोजपुरी के माध्यम से भी ये इंस्पिरेशन मिले आने वाले दिनों में यूथ को। और एक बार इंस्पिरेशन मोटिवेशन किसी व्यक्ति को मिलता है ना, तो आगे और वो उत्साहित हो जाता है अच्छी चीज़ करने के लिए। तो हमारी यही सोच है, जो नज़रिया है लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी पिक्चरों को देखने का, उसे कहीं ना कहीं अब ये बैनर से हम एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भोजपुरी पिक्चरों को भी एक एड ऑन किस जैसे कहे, नज़रिया अच्छा ही है, लेकिन मैंने आपको यही कहा कि देखने वालों के ऊपर है किस तरह से अगला आदमी देखता है किसी व्यक्ति और किसी को। प्रिंस सिंह राजपूत और पायस पंडित के अलावा भोजपुरी के वो कौन से कलाकार हैं जिनके नाम आप जानते हैं, और अगर बता सके तो जिनके गाने देखते हो, फिल्में देखते हो? मैं पर्सनली बोलूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत भोजपुरी पिक्चर देखता नहीं हूँ। मैं बचपन में कोई भोजपुरी पिक्चर जब मेरे फैमिली के साथ देखा था तो
वहाँ पे सब बस यही बस यहाँ वहाँ जो डायलॉग मारते हैं लोग, तो उसका तरीका भी वो लोग गलत तरीके से कर रहे थे। तो मेरे बचपन से यही था कि भोजपुरी को एक अलग अंदाज दिया था, लेकिन जब से मैं ये टीम से जुड़ा हूँ लास्ट 6-7 महीने से, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया। मैं किसी एक्टर और एक्ट्रेस का नाम इस वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने अच्छा ही काम किया अपने हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा जानते हैं। नहीं जानता तो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दूंगा, उसका रीज़न है क्योंकि मुझे यही दो बेस्ट लगते हैं फिलहाल इनका, मैंने जो भी चीज़ देखा हो। तो मुझे ऐसा है कि जो वो पिक्चर उन्होंने जो बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है, हम जो अब आगे पिक्चर बनाएंगे हमारे हिसाब से बनाएंगे। बिल्कुल पायस जी की तरफ चलते हैं। पायस जी, वैसे तो आप जो हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब प्रिंस सिंह राजपूत के साथ होती हैं। तो इनके साथ ही जब आपको फिल्में करनी हैं तो फिर मेरा सवाल आप समझ ही गए होंगे क्या? नहीं समझी मैं, क्योंकि आपका सवाल हमेशा एक ही रहता है, घुमा फिरा के रहता है, फिर से पूछिए। नहीं समझा। सवाल ये है कि आखिर प्रिंस सिंह राजपूत की क्यों, दूसरा किसी के साथ क्यों नहीं? आखिर प्रिंस सिंह, मैंने पहले ही बोला है, अब मैं फिर बोलूंगी फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर नीचे गालियां पड़ेगी। बोलिए बोलिए। और हम किसी को बताएंगे नहीं। आखिर प्रिंस सिंह राजपूत ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरा हमेशा से एक मुद्दा रहा है, सम्मान, इज्जत। मुझे जहाँ सम्मान मिलता है, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत मेहनती हूँ और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे जहाँ सम्मान मिलता है मैं अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। प्रिंस के साथ मैं कंफर्टेबल भी हूँ और मुझे एक हीरोइन का दर्जा मिलता है, एक एक्ट्रेस या कलाकार का दर्जा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हीरो का है तो हीरोइन को सिर्फ डांस के लिए रखा जाए। प्रिंस की जो भी फिल्म होती है उसमें मेरा किरदार होता है, मुझे बराबर का दर्जा दिया जाता है। और मैंने हमेशा से रहा है कि मैं जब भी इंडस्ट्री में काम करूँ तो इस दो फिल्म करूं, बट उसमें मैं काम करूं, ना कि मैं सिर्फ शो पीस करके रह जाऊं। इसी वजह से शायद मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ी थी। अब यहाँ पे मुझे मेरे टैलेंट की कदर हो रही है, मुझे बराबर की एक्टिंग का दर्जा, मुझे स्क्रीन स्पेस मिलता है, इस वजह से मैं प्रिंस के साथ काम करती हूँ। क्योंकि प्रिंस यहाँ पे हीरोइज़म नहीं दिखाता है, एक कलाकार के रूप में कार्य करता है, इस वजह से मैं प्रिंस के साथ ज़्यादातर दिखती हूँ। और ये सवाल प्रिंस जी आपसे भी है जी, कि आप की हीरोइन ज़्यादातर ऐसी क्यों होती है? तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताएंगे ना, ये प्रोड्यूसर सेलेक्ट किए हैं, डायरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, तेलो बताएंगा बाकी। इसके अंदर जो टैलेंट है अभी कैसा है, आप सही पाया, सही बोल रही थी, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके नज़र से आपको नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो चीज़ में फिट बैठ रहा है अभी जो भी व्यक्ति हो, आज हमारा ट्यूनिंग बना है, आप भी किसी दो व्यक्ति के, तीन व्यक्ति के साथ किसी का कम्फर्ट बन जाए तो उसे आगे काम करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। वैसे यहाँ पे किसी के साथ किसी का कंफर्ट बना हुआ है काम में, प्रोफेशनलिज्म में, स्किल की तरफ से, तो वो आगे काम। आइए, जितनी फिल्में सब मार्केट से ही ऑफर आता है। नहीं, मैं एक चीज़ और क्लेरिफिकेशन इस पे दूंगी कि मैंने पहले ही बोला कि मैं भोजपुरी फिल्में करूंगी ही नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे काम करना है, मुझे इज्जत और सम्मान के साथ काम। मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मुझे बहुत नहीं चीज़ें मुझे फिल्में मिली जिस तरीके से मैं करना चाहती थी, मेरे टैलेंट को तवज्जो नहीं मिला, तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट चाहिए या मुझे शिकायत नहीं, मैंने करना ही छोड़ दिया। आपको यह लगता है कि भोजपुरी में कोई हीरो आपको इज्जत नहीं देता है? हीरो की इज्जत मुझे नहीं चाहिए, हीरो की नहीं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने मुझे फिल्म्स ऑफर नहीं की, अभी मुझे जो फिल्म्स आएंगी मैं वही करूंगी ना। हीरो की मैं कभी, हीरो के दम पे मैं इंडस्ट्री में आई नहीं थी और ना ही मुझे हीरो की किसी की इज्जत चाहिए। मुझे एज अ कलाकार, मुझे जो फिल्म में ऑफर हो, जो मुझे इज्जत सम्मान बराबर का चाहिए तब करूंगी, वरना मुझे फिल्म का कोई शौक नहीं है। सीधा सीधा आरोप है कि आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर इज्जत नहीं दे रहे हैं? इज्जत नहीं, काम नहीं दे रहे हैं। सोजी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारी पिक्चर डायरेक्ट की है, पायस जी बता रही हैं कि हीरोइन जो होती है उनको। आप लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं, हम लोग आए हैं भारत माता के जय के लिए, आप लोग डिस्टर्ब लग रहे हैं क्यों? आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब, कभी भारत माता की जय के वो नाम ले रहे, क्या है मेरा भारत महान, कभी धर्म जी। क्योंकि इन लोगों को आदत है, इस तरह होता है क्या कि हीरोइन को इक्वल का दर्जा नहीं मिलता है जब तक आपसे जानना चाहेंगे
ये सच्चाई है, होता है, अगर इनमें होगा दम तो बोलेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जो कलाकार है चाहे हीरो हो या हीरोइन हो या कोई भी सारा कलाकार हो, उनको उनके टैलेंट के हिसाब से अगर काम नहीं मिले, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिले, तो जो भी काम करेगा वो सोच के करेगा ना। उनकी अपनी उनका अपना चीज़ है कि मुझे कहाँ करना है। इस सिनेमा के लिए हमने देखा कि हमारे जो इस फिल्म के अंदर जो ये है इनका जो काम है मेरे लिए अच्छा लगा, इस हिसाब से सिलेक्शन होता है जो दिखेगा सिनेमा। हाँ, अब इसी में मैंने बोल दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दो कटकरी है, एक नचनिया है एक्टर है, तो कितना बवाल हुआ। कोई बोला कि मेरे को बोला है, कोई बोला कि मेरे को, सच्चाई है। जो एल्बम में नाचता है उसको नचनिया कह सकते हैं, जिसको डांस नहीं आता है, एक्टिंग नहीं आता है, तो क्या कहेंगे, भोजपुरी का नाम खराब कर रहे हैं लोग। तो एक्टर और नचनिया है, दो कैटेगरी है बिहार इंडस्ट्री में, आप लोग भी जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, पूरा भारत की आवाम मेरा जानती भारत है। महान पे बात किया जाए, नहीं भारत माता की जय पे बात किया जाए, भारत माता की जय पे बात की जाए। इतना इन्होंने इन्होंने इतना प्रमोशन किया मेरा भारत महान की कि वही आ रहा है। कहाँ गए हैं भारत माता की जय के बारे में कुछ बताएं प्रिंस जी, भारत माता की जय के क्या कुछ उद्देश्य है, कब बनने वाली, कैसे जोर से बताएं। बताएं आप, बताइए आप, भारत माता की जय। हाँ सतीश जी बोले, कब से शूट कर रहे हैं वो तो बताए, भारत माता की जय अभी कब कैसे बनने है, क्या होना है, वो सुजीत जी बताएंगे, क्योंकि शूटिंग का टाइम तो हमने बताया। जो राजू भैया बैठिए ना। ओके सो थैंक यू वेरी मच।